हेलो दोस्तों, मैं तपन कुमार आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेल्पिंग तपन को। दोस्तों, आज एक खुशखबरी आया है जो रेलवे के तरफ से। यहाँ पे सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर देख सकते हो आप, 03/2018। मतलब आपकी यहाँ पे नया रिक्रूटमेंट आ गया है रेलवे से तरफ से, जो TC का आया है, गुड्स गार्ड का आया है, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का आया है। दोस्तों, इसी के बारे में हम बात करेंगे। ये बहुत लोग कमेंट कर रहे थे फेक है, तो दोस्तों यहाँ पे पूरा डिटेल्स के साथ मैं लेके आया हूँ। तो दोस्तों, ये रियल है, ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट में भी ट्वीट हुआ है। तो दोस्तों, इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको किस क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना है, तो दोस्तों मैं सारे आपको बता दूंगा। तो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपकी रेलवे के रिलेटेड हर मिनट का न्यूज आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, आपको पता होगा, मैं भी वही कॉम्पिटेटिव लाइन एग्जाम देके मैं भी अभी अभी मुझे गवर्नमेंट नौकरी मिल गया है। तो दोस्तों, इसी तरीके में आपको भी मैं पूरा हेल्प करता रहूँगा जब तक आपकी नौकरी मिल ना जाए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। आप अगर दोस्तों रेलवे का तैयारी कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन को आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। एक GK क्वेश्चन है, व्हिच मेटल पॉल्यूट द एयर ऑफ बिग सिटी। बड़े बड़े सिटी में कौन सा मटेरियल ज़्यादा पॉल्यूट करता है? तो कॉपर या क्रोमियम या लीड या कैडियम। तो आप आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, कितना आपकी काबिल हुए हो और कितने एलिजिबल हुए हो एग्जाम के लिए, तो आपसे वहाँ से पता चल जाएगा। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट आज ही आया है, देख सकते हो, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 3/2018। यहाँ पे दोस्तों आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू होने वाला है 4 तारीख अप्रैल महीने में, अभी 2-4 दिन है, तो आप उसके लिए तैयारी रखिए। आपके सारे डॉक्यूमेंट क्लियर रखिए, OBC सर्टिफिकेट वगैरह, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह अपडेट रखिए, तो आपकी जब भी शुरू हो जाता है तो एप्लीकेशन आपको डालने के लिए तैयारी शुरू हो जाइए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताते रखूँगा, यहाँ पर 1 महीने का टाइम रखा है, लास्ट डेट रखा गया है 6 मई को आपकी रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये फेक न्यूज़ है। दोस्तों यहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, पीयूष गोयल का ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट में आज ही ये ट्वीट किया गया है। तो यहाँ पे 90,000 के जगह में 1,10,000 जो वैकेंसी निकलने वाला है, जो 90,000 अभी वैकेंसी चल रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों और 20,000 बढ़ा दिया गया है। RPSF में यहाँ पे 9,000 वैकेंसी निकलने वाला है, और L1 और L2 जो है वो 10,000 वैकेंसी निकलने वाला है। दोस्तों L1 L2 क्या है? तो ग्रुप डी और ग्रुप सी। L1 मतलब ग्रुप डी और L2 मतलब ग्रुप सी। यहाँ पे वही लिखा गया है कि और 10,000 वैकेंसी निकलने वाला है। तो 10,000 से यहाँ पे दोस्तों आज की जो एडवर्टाइजमेंट निकला है दोस्तों, उसी के अंदर ये आ जाता है असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर और गुड्स गार्ड। ये दोस्तों ग्रुप सी रिक्रूटमेंट अभी आ गया है। ये दोस्तों रियल है, ये फेक नहीं है। अभी दोस्तों ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट आ जाए तो वहाँ पे आपकी कैसे आपको प्रिपेरेशन करना पड़ेगा और किस लेवल में एग्जाम होने वाला है, दोस्तों यहाँ पे सारे अभी चेंजेस हो रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रहा है, स्टेज वाइज हो रहा है, CBT में फर्स्ट स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज होता है। दोस्तों आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा 4 तारीख तक, तो आपकी वहाँ पर ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट जब मिल जाएगा आपको पता चल जाएगा आपकी क्या क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, कितना एज होना चाहिए। दोस्तों सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको जब भी हम मेरा नया वीडियो आपकी नोटिफिकेशन हो जाए आपके पास पहला इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो ये था छोटा सा जो आपकी न्यूज़ है, अपडेट न्यूज़ जो आपको मैं देने वाला था। जो लोग दोस्तों कमेंट कर रहे हैं ऐसे गलती, मतलब बहुत गलत वर्ड यूज करके कमेंट कर रहे हो, तो प्लीज़ उन लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा ऐसे कमेंट मत कीजिए। मैं भी जो भी चीज़ देता हूँ विथ प्रूफ के साथ देता हूँ, ऐसे फेक नहीं देता हूँ। दोस्तों फेक होने से क्या प्रॉब्लम होता है मुझे पता है दोस्तों, ये सब फेक मैं भी नहीं देता हूँ। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों धन्यवाद, आज की इस वीडियो में इतना ही है।